अंतिम श्वास तक सरकार से लड़कर हर हाल में पुरानी पेंशन लेकर ही दम लेंगे कर्मचारी, वरना आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उक्त बातें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मंच द्वारा चलाए जा रहे क्रमिक भूख उपवास के चौथे और अंतिम दिन बनारस रेल कारखाना में भारी संख्या में जुटे केंद्र व राज्य कर्मचारियों ने भूख उपवास रखकर दे रहे धरने में मंच के संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा, क्रमिक भूख उपवास में केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों के अलावा शिक्षक व पेंशनर्स की सहभागिता रही, जिसकी अध्यक्षता कामरेड प्रदीप शर्मा जोनल सेक्रेटरी और अरविंद श्रीवास्तव महासचिव बनारस रेल कारखाना ने भूख उपवास व धरना का संचालन किया। सहसंयोजक सुनील सिंह एवं एनबी सिंह सचिव मेंस यूनियन ने संयुक्त रूप से कहा कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र के कर्मचारी एवं अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश कर्मचारियों के लिए पूर्व प्रदत्त पेंशन व्यवस्था समाप्त करके नई अंशदायी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है, जो कि शेयर बाजार आधारित व्यवस्था है। कर्मचारी समाज लगातार इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है। धरना को संबोधित करते हुए दिवाकर द्विवेदी मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मंडल मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने संयुक्त रूप से कहा कि देश व प्रदेश के लाखों लाख कर्मचारी एवं शिक्षकों द्वारा 27 जून 2023 को लखनऊ में और 10 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आक्रोश व्यक्त किया, परंतु केंद्र राज्य सरकार द्वारा अभी तक गंभीरता से न लेकर विरोधाभासी बयान किया जा रहा है, इससे कर्मचारियों व शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज पूरे देश का केंद्रीय व राज्य कर्मचारी एवं शिक्षक हड़ताल पर जाने से पूर्व भूख उपवास कर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिसका निर्णय संयुक्त मंच द्वारा लिया जा चुका है। अध्यक्षता कर रहे कामरेड प्रदीप शर्मा ने कहा कि विगत 10 वर्षों से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग पर संगठन द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही है, परंतु मांग पूरी न होने पर अब मजबूर होकर रेल का चक्का जाम किए जाने जैसा निर्णय हमारे कामरेड राष्ट्रीय संयोजक शिव गोपाल मिश्रा जी को लेना पड़ेगा। धरने को सुनील सिंह, एनबी सिंह, दीपेंद्र श्रीवास्तव, डीके सिंह, श्याम राज यादव, सुधांशु सिंह, जटाशंकर यादव, हरेंद्र यादव, रामाश्रय यादव, संतोष कुमार, अरुणेंद्र विश्वकर्मा आदि ने संबोधित किया। 82 से जो हमारी ये पेंशन व्यवस्था लागू की गई है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, वहाँ रिटायरमेंट के बाद जहाँ 50% पुरानी पेंशन व्यवस्था में ओपीएस में दिया जाता है, वहीं पर आज इनकी नई पेंशन योजना में हमें कहीं 3% से लेकर के 7% तक की कहीं किसी को स्वीकृत हो रहा है। ऐसे में ये 1200, 1500, 2000, 3000 पेंशन प्राप्त करके 60 वर्ष की अवस्था में उनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात सरकार द्वारा किया गया है, जिसको हम लोगों ने कहा है, सरकार से लगातार 10 वर्षों से मांग कर रहे हैं नई पेंशन योजना को तत्काल बंद किया जाए और उसके जगह पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन ही वृद्धावस्था में बुढ़ापे की लाठी का सहारा है।